BTS के मेंबर्स भले ही इंडिया ना आ रहे हों, लेकिन वो टाइम टाइम पर इंडियन BTS आर्मीज को बड़े बड़े गिफ्ट तो देते ही रहते हैं। और अब फिर से हमारे गोल्डन मांग ने यानी जंगकुक ने इंडियन BTS आर्मीज को एक काफी बड़ा गिफ्ट दिया। जब कल रात को स्टेशन हेड पर वो लाइव आए और उस समय वो एक हिंदी सॉन्ग को सुन रहे थे और गा रहे थे, जिसको सुनकर इंडियन BTS आर्मीज बहुत ही खुश हो गई। लेकिन आखिर जंगकुक कौन सा सॉन्ग गा रहे थे और ये सब कब हुआ, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल जंगकुक की जो है वो स्टेशन हेड पार्टी चलती है, यानी स्पॉटिफाई प्रीमियम पर जंगकुक के सॉन्ग्स प्ले करे जाते हैं और उसको जंगकुक भी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर वो आर्मी से बहुत सी बातें करते हैं। तो कल शाम को भी ये पार्टी हुई थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जंगकुक का सॉन्ग 3D लॉन्च हुआ है। तो जब भी जंगकुक स्पॉटिफाई प्रीमियम पर आते हैं, वो ढेर सारी बातें करते हैं आर्मी से, और कल भी जंगकुक ने बहुत सारी बातें करी थी, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी कल रात को ही आपके साथ हिंदी में शेयर कर दी थी फुल डिटेल के साथ। तो जब जंगकुक ये सारी बातें आर्मीज को कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि उनका वेट कितना है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, तो उसी के बीच में एक मोमेंट आया था जब जंगकुक अपना सॉन्ग 7 प्ले कर रहे थे, मतलब बैकग्राउंड में 7 चल रहा था, और अचानक से जंगकुक इंडियन सॉन्ग गाने लगे। और वो सॉन्ग कोई और नहीं बल्कि वही सॉन्ग है जिससे जंगकुक बहुत ऑब्सेस्ड है, यानी नाटू नाटू। तो बेसिकली जंगकुक ये सॉन्ग अचानक से गाने लग गए 7 के चलते चलते, और इसे सुनकर आर्मीज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई कि अचानक से जंगकुक इंडियन सॉन्ग यानी हिंदी सॉन्ग कैसे गाने लगे। यही नहीं, जैसे ही आर्मीज ने सुना इस क्लिप को, उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और हर जगह इंडियन BTS आर्मीज इस क्लिप को वायरल करने लगी। बहुत सी इंडियन BTS आर्मीज का कहना था कि लगता है जंगकुक को नाटू नाटू सॉन्ग को ज्यादा ही पसंद आ गया है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लाइव में रिवील किया कि वो नाटू नाटू सुन रहे हैं। उसके बाद एक दूसरे लाइव में भी जब उनकी फेवरेट प्लेलिस्ट चल रही थी तो उसमें नाटू नाटू सॉन्ग अपने आप प्ले हो गया था। उसके बाद एक और लाइव में जंगकुक ने इसकी बात करी थी, और अब स्टेशन हेड यानी स्पॉटिफाई प्रीमियम का जो पार्टी चल रही थी उसके बीच में भी जंगकुक इस सॉन्ग को ले आए, जबकि उस समय तो जंगकुक के खुद के सॉन्ग चल रहे थे। और ये देखकर इंडियन BTS आर्मीज को बहुत अच्छा लगा कि किसी ना किसी तरीके से तो जंगकुक इंडिया से कनेक्टेड हैं। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि जंगकुक को इंडियन BTS आर्मीज देसी BTS मेंबर कहती हैं। उसका रीजन ये कि कई बार वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लगता है कि वो एक इंडियन ही है, जैसे कि हिंदी सॉन्ग्स को सुनना, और रिसेंटली लाइव में उन्होंने ये भी बताया था कि वो इंडियन फूड भी बहुत पसंद करते हैं। इससे पहले जंगकुक काफी बार ऐसे आउटफिट्स में भी नजर आए हैं जो इंडिया जैसे लगते हैं, और जंगकुक को नमस्ते का जेस्चर भी बहुत बार करते हुए देखा गया है। इसीलिए इंडियन BTS आर्मी प्यार से जंगकुक को देसी BTS मेंबर भी कहती है। तो आर्मी कमेंट में जरूर बताओ कि जंगकुक जब नाटू नाटू गा रहे थे तो आपको ये सुनकर कैसा लगा, और कमेंट में हार्ट पाने के लिए जंगकुक जरूर कमेंट कर देना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।